कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, वाटर, और ये पांचों चीज़ें अगर मिल जाता है तो हमारे लिए क्या बनता है? बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट हम नहीं है तो क्या हो? अगर बैलेंस डाइट हम नहीं है तो हमारे शरीर में डिफिशियंसी डिजीज यानी कुपोषण जनित रोग हो जाएगा। तो कल पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स फंक्शन और उसके सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे विटामिन ए। आपको बताया गया है कि विटामिन ए बी सी डी ई और के होते हैं। बी के कई पार्ट होते हैं, B1, B2, B3, B6 और B12, जिसे B12 को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए क्यों जरूरी हमारे लिए? तो इट हेल्प इन द नॉर्मल विजन एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? हमें सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएंगे, रातोंधी, जिसको हिंदी में रातोंधी कहते हैं, यानी जैसे सनलाइट डीम होगी, सनलाइट कम होगी, हमें क्या होगा? दिखने में कष्ट होने लगेगा, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अगर थोड़ी सी कम होगी तो पार्शली होगा, और अगर बहुत कम हो जाएगी तो टोटली ब्लाइंडनेस हो जाएगा या कंप्लीट अंधा होगा आदमी। तो ये किसके कारण है? ये मेनली विटामिन ए के कारण है। तो इसका अब हम फिर से आप समझ लीजिए, विटामिन ए इसका काम है हेल्प इन द नॉर्मल विजन, हमारी आंख की रोशनी को अच्छा रखना, नॉर्मल रखना, एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को भी क्या करता है? सही ग्रोथ देता है। ये मिलता कहाँ है? इसका सोर्स क्या है? कैरेट, गाजर, पंपकिन, कद्दू, कॉड लीवर ऑयल, मछली के तेल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां। अब बात करते हैं विटामिन बी की। बी इसमें हम बच चुके हैं कि क्लास 6 का है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। B1, B2, B3, B6 और B12 की चर्चा नहीं करेंगे हम, किस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से केवल एक कॉमन वर्ड विटामिन बी की चर्चा करते हैं। तो विटामिन बी में क्या है? हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के ग्रोथ को सही रखता है। देखते हैं कुछ बच्चे हमारे, उनकी हाइट कम हो जाती है, तो किसके कारण से होती है? विटामिन बी के कारण। एंटी पावर बॉडी होती है, हमारे प्रॉपर ग्रोथ भी देता है और हमारे बॉडी को हेल्दी भी रखता है। मिलता कहाँ है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फ्रूट्स, यानी हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मांस और फ्रूट्स में विटामिन बी मिलता है। अब चलते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हेल्प इन द मेंटेनिंग हेल्दी गम्स एंड टीथ, हमारे मशूरे, हमारे दांत को जो ज्वाइंट रखते हैं मसल, इसको मशूरा कहते हैं, इंग्लिश में गम कहते हैं। तो ये गम्स को और टीथ को, इसको ये हेल्दी रखता है, कौन? विटामिन सी। और ये मिलता कहाँ है? साइट्रस फ्रूट, यानी खट्टे फल। खट्टे फल में कौन से आएंगे? ऑरेंज आएगा, लेमन आएगा, जो थोड़ा खट्टा लगता है उसमें क्या मिलते हैं? विटामिन सी मिलते हैं। दूसरी अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी कीप आवर बोन्स हेल्दी, विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत रखता है। आप देखते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे हमारे सोसाइटी में जिसके हाथ पे टेढ़े हो जाते हैं, तो वो किसके कमी कारण है? वो प्रॉपर विटामिन डी की कमी के कारण है। तो विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये मिलते कहाँ? मिलेंगे कहाँ में? मिल्क में, कॉड लीवर ऑयल में, और एक नया वर्ड है आपके लिए, स्पेंडिंग सम टाइम इन द सन, इन द मॉर्निंग इन द सन, यानी सुबह के समय, सनराइजिंग के समय अगर कोई भी आदमी 10 से 15 मिनट तक धूप में बैठ जाए, सुबह की हल्की धूप में बैठ जाए, तो उसकी बॉडी में विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी, उसकी बॉडी में ऑलवेज विटामिन डी मिलता रहेगा। अब बता रहे हैं विटामिन ई। विटामिन ई की और स्किन हेल्दी, देखते होंगे बहुत सारे आदमी के चमड़े जो स्किन होते हैं वो फटे फटे हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो ये किसकी कमी है? ये मेनली कमी है विटामिन ई की। तो विटामिन ई हमारे क्या करता है? हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। ये मिलता कहाँ है? बटर में, टोमेटो में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, यानी
मक्खन, टमाटर और हरे पत्ते वाली सब्जियां में मिलता है। अब उसके बाद चलते हैं विटामिन के, क्लॉटिंग, किलिंग द क्लॉटिंग ब्लड। ब्लड को थक्का जमने में, हमारी ब्लड तो सर्कुलेट करती है लेकिन ब्लड को थक्का जमे क्लॉटिंग में क्या करता है, विटामिन के मदद करता है। मान लिया जाए कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए और कहीं हमारे बॉडी के स्किन कहीं कट जाए भाई अनलक्की, तो ये वहां से बहुत सारा ब्लड निकलेगा और ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको दबा देते हैं तो क्या होता है, वो ब्लड रुक जाता है। तो ब्लड रुकना, ब्लड का थक्का जमना, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के की, ये मिलता कहाँ है, एग्स में, टोमेटो में और कैबेज में, यानी अंडे, टमाटर और पत्ता गोभी में मिलता है। इसके अलावा आपके चैप्टर में एक और चर्चा है रफेज। रफेज मेनली जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, जिसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, लेकिन ये रफेज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पेट, अगर हमारे पेट को साफ रखते हैं, जिस आदमी में रफेज कमी हो जाए उसमें कॉन्स्टिपेशन यानी टॉयलेट क्लियर नहीं होगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मेनी टाइप ऑफ डिजीज, जस्ट लाइक गैस 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 की प्रॉब्लम होगी, वर्क करने की इच्छा नहीं करेगी, लेजीनेस हो जाएगा। तो ये अभी हम चर्चा किए विटामिन और रफेज की, इसके साथ मिनरल्स भी हम आपको बताए हैं कि मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण, अगर मान लो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हो गया, आयोडीन की कमी हो गई, तो आदमी के गले में क्वाइटेड डिजीज हो जाता है, घी घा, जिसको बोलचाल में कहते हैं घी घा हो जाता है, जिसका मेन सोर्स जो है सी फूड है, समुद्र की सी फूड है, उसके बाद और आयोडाइज सॉल्ट है जिसका यूज करते हैं, इसके साथ फास्फोरस जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, आयरन जो हमारे बॉडी में हीमो ब्लड के जो मेन पार्ट है हीमोग्लोबिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करता है। तो वाट मिनरल, विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए जरूरी है, इन सब चीज़ों को मिला दें अगर हम, तो हमें मिलेगा क्या, बैलेंस डाइट। तो अगर हम बैलेंस डाइट का डिफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, दी आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, फैट, वाटर, रफिन, सब कुछ हो, उस भोजन को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि आपका इस नेक्स्ट वीडियो में होगा चर्चा डिफिशियंसी डिजीज, यानी किस रोग, किस चीजों की कमी के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।